नमस्कार, स्वागत है आपका शिवानी राजस्थानी रसोई में। आज हम बनाएंगे सूजी की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने एक कप सूजी ली है। एक कप सूजी के साथ में हम लेंगे एक कप दही और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें हमारे बैटर को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे पतला कर लेना है। और अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक। हमें सूजी के बैटर को थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि थोड़ी देर बाद सूजी फूल जाती है और थिक हो जाएगी। अब हम इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रख देंगे और कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1 सर्विंग स्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई और 2 चम्मच अरहर की दाल। हमने घर में काम आने वाली चम्मच यूज में ली है और अरहर की दाल को हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसे हमें गोल्डन होने तक पका लेना है। अरहर की दाल के पक जाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हमारे प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हमें मसाले में डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हमें कढ़ाई को 4 to 5 मिनट्स के लिए ढक के रख देना है जिससे हमारी सब्जियां अच्छे से पक जाए। फाइव मिनट्स हो चुके हैं और हमारी सब्जियां पक चुकी है। और अब हम हमारे सूजी के बैटर को भी चेक कर लेंगे। अभी हमारा बैटर काफी थिक है, हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे पतला कर लेंगे। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालना है जिससे हमारा बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारा बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। और अब हम हमारे सूजी के बैटर में मिला देंगे हमारी सब्जियों का मसाला जिसे हमने पहले ही तैयार कर लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज में ले सकते हैं। इन सभी को मिक्स कर लेने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पिज्जा टॉपिंग। और 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस। अब हमारा बैटर हो चुका है तैयार। अब हम तवे को गैस पे चढ़ाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। और अब हम इस पर डाल देंगे हमारे सूजी का बैटर और इसे अच्छे से फैला देंगे। हमारे बैटर को हमने अच्छे से फैला दिया है, बिल्कुल गोल शेप आ चुकी है। जब इसके ऊपर की लेयर ब्राउन हो जाएगी तब हमें इसे पलट देना है। आप देख सकते हैं लेयर काफी अच्छे से सूख चुकी है, हमने इसे पलट दिया है और ये पीछे की साइड से भी पक चुका है। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़।
हमें चीज़ को चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। और चीज़ को डाल देने के बाद में हमें तवे को थोड़ी देर के लिए ढककर रख देना है। थोड़ी देर में हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा और हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। यह रेसिपी बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होती है और इसे खाकर पिज़्ज़ा की याद ज़रूर आती है। इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार होती है, आप इसे ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।